हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या 31 मार्च 2021 के बाद क्या बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन उद्यम रजिस्ट्रेशन या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे, या फिर जिन लोगों ने बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन उद्यम रजिस्ट्रेशन जो कराया है, क्या वो 31 मार्च 2021 के बाद कैंसिल हो जाएगा, और ये सरकार का नया जो नोटिफिकेशन है वो आखिर है क्या, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसा ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप जब एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, जो कि अभी उद्यम रजिस्ट्रेशन है, तो जब आप फॉर्म भरते हैं तब वहां पे ये लिखा आता है कि क्या आप बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। और अगर आप वो टिक करते हैं, यानी कि इसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन में नो टिक करते हैं, तो आपको एक वार्निंग लिखी आती है कि 31 मार्च 2021 तक आप जीएसटी जो रजिस्ट्रेशन है वो अपडेट करा ले, अदरवाइज ये जो ये उद्यम रजिस्ट्रेशन होगा वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। और दूसरी ये क्वेरी होती है कि 31 मार्च के बाद क्या बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, तो इन दोनों के सवाल के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक नया नोटिफिकेशन निकाला है। और ये जो क्वेरी थी उसमें यह था कि जो छोटे व्यापारी है जिनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन में ऑलरेडी एग्जम्पशन मिला हुआ है, तो वो कंफ्यूज थे कि क्या अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, या फिर अगर ऐसा ही है तो वो एमएसएमई यानी उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए भी वो उसे निग्लेक्ट यानी इग्नोर कर सकते थे। तो गवर्नमेंट के 5 मार्च के 2021 के एक नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने एक पैरा ऐड किया है, जो कि पुराने पैराग्राफ में यह था कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो कि उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी होगा, लेकिन 5 मार्च 2021 में एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने निकाला और उसमें यह कहा कि जिन जिन व्यापारी को जीएसटी रजिस्ट्रेशन में एग्जम्पशन मिला हुआ है, उन सभी व्यापारी को, यानी कि जिन व्यापारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन में एग्जम्पशन मिला हुआ है, उन्हें उद्यम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। यानी कि अब 31 मार्च 2021 के बाद भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बिना उद्यम रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है, लेकिन उन व्यापारी को के लिए जिन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन में एग्जम्पशन मिला हुआ है, यानी कि जिनका जो टर्नओवर है वो 20 लाख से कम है, उनको उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जब भी उद्यम रजिस्ट्रेशन कराने जाते थे तो वहां पर एक वार्निंग आ जाती थी कि अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन अपडेट नहीं कराया है तो आपका जो उद्यम है वो कैंसिल हो जाएगा। तो अब छोटे व्यापारियों के लिए एक बहुत ही राहतपूर्ण समाचार है कि जिनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन में ऑलरेडी एग्जम्पशन मिला हुआ है, उन्हें उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये इंफॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे ही अपलोड होगी आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचाएगा। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।